धरती पर जन्म लेने वाले सबसे पहला पुरुष कौन था और इसका जन्म कैसे हुआ? वैदिक धर्म ग्रंथों के अनुसार इस पूरी सृष्टि की रचयिता ब्रह्मा जी को कहा जाता है। उन्होंने ही इस पूरी सृष्टि की रचना की। जब भगवान विष्णु जी के नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तब भगवान विष्णु ने उन्हें सृष्टि की रचना का आदेश दिया। इसके अंदर ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम सृष्टि की रचना हेतु मनु नामक पुरुष और शत्रुप स्त्री की रचना की। मनु धरती पर जन्म लेने वाले पहले मनुष्य थे। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अनेक मानव सपुत्रों को उत्पन्न किया। उन्होंने अलग अलग प्रकार से सृष्टि के विस्तार में योगदान दिया। मान्यताओं के अनुसार मनुष्य शब्द से ही मानव शब्द की उत्पत्ति हुई। संसार के सभी मनुष्य मनु की ही संतानें हैं, लेकिन ईसाइयों के धार्मिक ग्रंथ बाइबल के अनुसार धरती पर प्रथम मनुष्य की उत्पत्ति ईश्वर की छाया से हुई थी, जिसे एडम के नाम से जाना जाता है। वैदिक धर्म ग्रंथों के अनुसार सबसे प्राचीनतम धर्म सनातन धर्म के मनु ही दुनिया के सर्वप्रथम पुरुष थे। इसके अलावा मनु को वेदों, सनातन धर्म और संस्कृत समेत सभी भाषाओं का जनक भी कहा जाता है।